नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष कुमार भारद्वाज। आज मैं आपके सामने संतान संतति रेखाओं का वर्णन करूंगा। मैंने इससे पहले आपको अपनी पुस्तक एटिटाइज ऑन पामिस्ट्री के काफ़ी अध्यायों के बारे में विस्तार से बताया है। मेरा ये ब्लॉग है bharatiyashiksha.blogspot.com और दूसरा है santoshhastrekhashastra.wordpress.com, जिसके ऊपर मैंने हस्तरेखा विज्ञान के बारे में काफ़ी विस्तार से वर्णन किया है। आज मैं आपको बता रहा हूँ संतति रेखा। संतति, प्रोजनी, चिल्ड्रन, इनका मुख्य उद्देश्य है वंश परंपरा को आगे बढ़ाना। विवाह का मूल उद्देश्य भी यही है, यद्यपि कुछ लोग इसको कामेच्छा की तृप्ति का साधन मानते हैं, मगर वो वासना मात्र है। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री के साथ संपर्क तभी करना चाहिए जब उसमें रज गुण उत्पन्न हो, यानी कि ओवम फॉर्मेशन हो जाए, इसका पता आराम से चल जाता है। तो संतति को, वंश परंपरा को आगे बढ़ाना हमारा मूल उद्देश्य होता है इस विवाह का, मैरिज का। अब इसमें हम पहले देखते हैं शादी से पहले कि जो बच्चे हैं, लड़का और लड़की, क्या उनकी उम्र शादी के लायक हो गई है। सामान्यतया हम शादी की उम्र लड़कियों में 18 वर्ष के लगभग मानते हैं और लड़कों में इस उम्र को 21 साल मानते हैं, मगर शास्त्रों में वर्णन है कि लड़के की शादी तभी होनी चाहिए जब वो 25 साल का हो जाए, कमाने खाने लायक हो जाए, वो अपने परिवार को सपोर्ट कर सके, उसका खर्चा उठा सके। तो आजकल के समय में जब लड़कियां पढ़ लिख रही हैं तो उनकी उम्र भी काफ़ी हो जाती है और उनकी शादी नहीं होती। तो पहले तो बृहस्पति माने ज्ञान का उत्पन्न होना, उनको मालूम होना चाहिए कि मैथुन क्या है, संतान उत्पत्ति कैसे होती है, शुक्र का उदय बताता है कि उनके अंदर इसकी क्षमता है कि नहीं। मैंने एक हाथ देखा था, एक लड़की का, टीचर थी मेरे साथ, मैंने देखा उसका शुक्र बहुत ज़्यादा दबा हुआ है। तो मैंने उसको एक ही बात कही सीधे सीधे, भाई तुम्हारे अंदर तो कामेक्षा है ही नहीं, नो डिजायर फॉर सेक्स। उसने कहा सर हाँ ऐसा ही है, परंतु सेक्स डिजायर डेवलप की जा सकती है और जब ये डिजायर उत्पन्न होती है तो शुक्र धीरे 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 नॉर्मल हो जाता है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। तो दोनों का उदय होना आवश्यक है। अब हम चलते हैं मूल विषय पर। हमारी जो कनिष्ठिका है मरकरी फिंगर और ये जो लाइफ, ये जो विवाह, ये विवाह रेखा है, इन दोनों के बीच में यहाँ खड़ी हुई रेखाएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5 रेखाएं होती हैं। जो रेखाएं स्पष्ट होती हैं, कटी फटी नहीं होती, वही बच्चे को बताती हैं। लड़का होगा तो लाइन चौड़ी होगी, गहरी होगी और स्पष्ट होगी। लड़की होगी तो लाइन पतली होगी, स्पष्ट होगी और गहरी होगी। अब कभी कभी कुछ लोगों के हाथ में रेखा जो 5-5 होती हैं, बच्चा एक ही पैदा नहीं, एक ही पैदा होता है। तो ये लोग भगवान की दी हुई प्रवृत्ति को काबू करके संतान उत्पत्ति नहीं करते।
मेरे अपने हाथ में 4-5 रेखाएं हैं लड़कियों की, मेरी एक भी लड़की नहीं है, क्योंकि मैं लड़कियों को पढ़ाता था तो उनमें से कुछ लड़कियां ऐसी थीं जो मुझे पिता के समान समझती थीं, आज भी समझती हैं, और मेरा भी प्यार उनके लिए एक पुत्री के समान ही है। अब दूसरी रेखा है ये हृदय रेखा। हृदय रेखा से जो ये शाखाएं निकलती हैं नीचे, ये भी संतति को प्रदर्शित करती हैं। इसका मतलब जो जातक है वो संतान उत्पन्न करने में समर्थ है। इसके बाद ये अंगूठा और ये शुक्र, इन दोनों के बीच में यहाँ पर दीप होते हैं। अगर दीप स्पष्ट है तो लड़का अवश्य होगा, अगर दीप कटा हुआ है तो अबॉर्शन हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा। इसके बाद सूर्य और शनि की उंगली पर यहाँ पर कभी कभी खड़ी रेखाएं मिलती हैं, वो भी पुत्र को प्रदर्शित करती हैं। इन दोनों पे स्त्री के हाथ में बृहस्पति पे पैरे पोरुओ के ऊपर खड़ी रेखा होती है, वो पुत्र को प्रदर्शित करती है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सूर्य की उंगली और ये शनि की उंगली, इन दोनों के बीच में इस स्थान से एक खड़ी हुई रेखा नजर आती है, लगभग 0.5 सेंटीमीटर, 7-8 मिलीमीटर्स लॉन्ग वर्टिकल लाइन खड़ी हुई रेखा होती है। अगर ऐसी रेखा मौजूद है हाथ में तो जातक के बहुत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होंगे, विद्वान होंगे, तेजस्वी होंगे और समाज में नाम कमाएंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। अगर संतान रेखा के प्रारंभ में दीप है तो ये जार योग उत्पन्न बताता है, मतलब ऐसी संतानें अपने पिता के अलावा भी उत्पन्न होती हैं। शास्त्र तो ये कहता है कि जिस व्यक्ति को हमने पाला पोषा, पुत्र का पुत्री का प्यार दिया, वही संतान है। वो भले ही हमारी बायोलॉजिकल संतान ना हो, मेरे पास एक दंपत्ति आया था, दोनों बड़े नामी डॉक्टर्स थे, दोनों को मालूम था कि वो दोनों सेक्सुअली वीक हैं। मैंने उनके हाथ में एक रेखा देखी, मैंने कहा देखिए ये रेखा दोनों हाथों में है, स्पष्ट है, इसका मतलब बच्चा तो आपके यहाँ होगा। बाद में उन्होंने एक लड़की अडप्ट की, बाद में उसकी मैरिड, उसकी हत्या भी कर दी गई। तो कहने का मतलब क्या है कि हाथ में लाइनों का परीक्षण करने के लिए हमें अन्य चीज़ें भी बहुत सारी देखनी होती हैं, और सामान्यतः अगर हम ध्यान से हाथ को देख रहे हैं तो पता पड़ जाता है। अब इसके बाद ये मणिबंध होता है, यहाँ पर 1-2-3-4 एक श्रृंखला होती है दीप समूहों की, 1-2-3-4। इसमें जो पहले वाला है यहाँ से एक रेखा चलकर मणि बाकी तीनों को पार करके मणिबंधों को हथेली पर यहाँ पर आती है, यहाँ पे आगे चंद्र को पार करके ये प्रकर्षण है, ये हथेली का कोना है, यहाँ तक आ जाती है। ये रेखा भी बताती है कि बच्चा अवश्य होगा। इसके बाद कुछ और लक्षण है बच्चा पैदा ना होने के, ये शुक्र है, शुक्र से रेखा शुरू हुई, जीवन रेखा को काटा और चंद्र पर आ गई, मगर ये रेखा टेढ़ी होती है, वक्राकार हो जाती है और मणिबंध के बहुत करीब होती है, लगभग यहाँ पर होती है। मैंने अपने एक साथी के लड़के के हाथ को देखा था तो मुझे लगा इस लड़के में तो स्पर्म शायद ना बनते हों और इसमें कुछ विकृति होगी, तो मैं कहते हुए डर रहा था, फिर भी मैंने हिम्मत करके कह दिया तो उन्होंने बताया हाँ इसमें शुक्राणु की कमी है और इसमें और भी कुछ परेशानियां हैं इस प्रकार की। तो इसके बाद हम देखते हैं योगी होते हैं, उनकी शादी नहीं होती, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, फिर भी उनके हाथ में शादी बच्चों की रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं उनके उन शिष्यों को दर्शाती हैं जो उन्हें अपने गुरु को पितातुल्य मानते हैं। इस प्रकार मैंने आपको थोड़ा संक्षेप में बताया है। और एक बात और बता दूं, अगर हथेली पर
इस पोर्शन में, विशेषतः इस स्थान पर अगर त्रिशूल का चिन्ह मौजूद है, घड़ा बना हुआ है और कमल फ्लावर बना हुआ है, तो ये स्पष्ट करता है कि जातक के संतान उत्पत्ति अवश्य होगी। और ये तीनों ही चिन्ह इतने शुभ हैं कि वो संतान नाम कमाने वाली होगी। इसके बाद स्त्री के हाथ में जीवन रेखा के ऊपर लगभग इस स्थान पर यह मत्स्य रेखा होती है, इट्स ए सॉर्ट ऑफ आइलैंड, एक बड़ा द्वीप होता है मछली की शक्ल लिए हुए। अगर यहाँ वो द्वीप बना हुआ है, मत्स्य रेखा बनी हुई है, तो स्त्री के संतान उत्पत्ति अवश्य होगी। इस प्रकार मैंने आपको आज संतान के बारे में बताया, संतान योग के बारे में बताया। आप इससे लाभान्वित अवश्य होंगे। और अगर आप मेरे अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो पंडित संतोष भारद्वाज कोष्ठक में पामिस्ट लिखा हुआ है, उसको लॉग इन करें, उसको सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, लाइक करें, अपने साथियों को बताएं, इससे आपको लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।